चीजें देखने को मिलेंगी. यू कैन हैव अ लुक एट इट. देखिए कम्युनल लिविंग कार्ड है इसमें, आप देखेंगे तो एक के ऊपर एक जैसे फ्लोर्स टाइप बने हुए हैं. यहाँ दूसरी साइड से सीढ़ियां कनेक्टेड आप देख पा रहे हैं. हर फ्लोर पे एक विंडो या डोर जैसा कुछ दिख रहा है और ये बिल्डिंग ऊपर की ओर आप देख रहे हैं इरेक्टेड है. देख पा रहे हैं आप सब? यस मैम. ओके. अब कम्युनल लिविंग कार्ड हमसे कहता क्या है? ये लाइफ टाइम जो है, दिस इज सिग्निफिकेंट टू योर क्वेश्चन. आप कोई सवाल पूछ के कार्ड निकालते हैं तो ये क्वेश्चन का जवाब आपको आपके लाइफ टाइम में ही मिल जाएगा. एक कम्युनल सेटिंग है, जैसे हो सकता है किसी कॉन्वेंट से आप जुड़े हो, किसी मोनेस्ट्री से जुड़े हो या किसी पर्टिकुलर ट्राइब से जुड़े हो. आपकी जो कार्मिक जरूरतें हैं, क्योंकि आपने पृथ्वी पे जन्म लिया है तो कार्मिक जरूरतें भी होती हैं. जैसे हमें सर के ऊपर एक छत चाहिए, कपड़े चाहिए, खाना चाहिए, तो ये सब तो आपको मिलेगा. हो सकता है आप कोई जॉब भी करते हो लेकिन अंदर आपके एक कम्युनिटी से जुड़ाव महसूस करते हैं. आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज पूरी कर रहे हैं लेकिन वो रिस्पॉन्सिबिलिटी आप फैमिली के लिए कर रहे हैं. उसमें कहीं भी आपका इंडिविजुअल गेन नहीं है. आपके करंट लाइफ स्टाइल में हो सकता है कि आपको पैसों की तंगी महसूस हो, इंडिविजुअल अर्निंग्स में, सेविंग्स में. हो सकता है आपको ऐसा लगे कि आपको सपोर्ट नहीं किया जा रहा. पर ऐसा क्यों है? क्यों? क्योंकि आपकी सोल को आदत है कम्युनिटी सपोर्ट सिस्टम की. पहले आप किसी मोनेस्ट्री या किसी कम्युनिटी का हिस्सा थे जहां क्या था, सब लोग मिलके करते थे, तो वहां इंडिविजुअल गेन नहीं, कम्युनिटी का गेन देखा जाता था. तो ये प्रॉब्लम इस लाइफ टाइम में कैसे दिख सकती है, या ये क्या है लाइफ टाइम से जुड़े हुए, उनसे क्या सवाल पूछेंगे आप? उनसे सबसे पहला सवाल ये पूछेंगे कि क्या ऐसा है कि आपको फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स आती हैं? क्या आपको ऐसा लगता है कि आपकी सेविंग्स नहीं हो पा रही हैं? क्या आपको ऐसा लगता है कि आपको कहीं से सपोर्ट नहीं मिल रहा है? और अगर इन सवालों के जवाब हाँ है तो आप समझ जाइए कि ये कम्युनिटी सपोर्ट सिस्टम को बिलोंग करते थे पिछली लाइफ में, और इस लाइफ में वो चीज लैक कर रही है. तो इस लाइफ टाइम में अगर चीजों को बैलेंस करना है, करना पड़ेगा कि ग्रुप नीड्स को हार्मोनाइज करना है. कम्युनिटी का मतलब क्या है? बहुत सारे लोग इकट्ठे आके रहे जो एक दूसरे का ध्यान रखें. आजकल का सिस्टम क्या हो गया है? न्यूक्लियर फैमिली सिस्टम. छोटे छोटे फैमिलीज होती है, बेयरली पीपल हैव पीपल अराउंड टू टॉक. और जहां हम लोगों ने अपना बचपन बिताया तो वहां तो वी हैड अ प्रॉपर जॉइंट सेटअप, जहां पे ऐसा लगता था कि समर वेकेशंस में जब सब इकट्ठे होते थे तो ऐसा लगता था कोई पार्टी फंक्शन चल रहा है. सो दैट वॉज पार्ट ऑफ बीइंग अ कम्युनिटी. अब इसको आप कैसे फुलफिल करेंगे इस लाइफ टाइम में? एक हार्मनी क्रिएट करके कल्चर में कैसे फिट करना है उसको समझ के, ग्रुप का हिस्सा रह के कि आप अपने इंडिविजुअल गोल्स को कैसे अचीव कर सकते हैं. क्योंकि कोई इंसान आइलैंड नहीं है कि वो हर तरफ पानी रहेगा और बीच में एक छोटा सा द्वीप, नहीं, वो नहीं है. आपको स्पिरिचुअल ग्रोथ भी चाहिए, आपको अपनी कार्मिक रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी पूरी करनी है. तो उसके लिए क्या चाहिए? हम लोग सब एक सोशल बीइंग है, हम सब कम्युनल ग्रोथ देखते हैं. अगर सिर्फ एक इंडिविजुअल की ग्रोथ देख रहे होते तो आज हम यहाँ नहीं होते, कॉमन प्लेटफॉर्म नहीं शेयर कर रहे होते. What is happening here? यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं?
हम एक कम्युनल लिविंग को सपोर्ट कर रहे हैं। आप लोग मुझसे ब्लड लाइन से कनेक्टेड नहीं है, वी आर नॉट फैमिली लाइन से कनेक्टेड नहीं है, लेकिन फिर भी क्या एक आभास आता है कि फैमिली है। आप में से बहुत सारे लोग बहुत टाइम बाद जुड़े वापस से, तो क्या महसूस हुआ, एक खुशी सी हुई कि इट्स बीन लॉन्ग, बहुत दिनों बाद फिर मिले। तो ऐसा वो फैमिली सिस्टम, फैमिली कनेक्ट आ जाता है। दिस इज कम्युनल लिविंग, जिसमें कोई इंडिविजुअल बेनिफिट नहीं है लेकिन सबकी ग्रोथ एक साथ है, राइट? अब